नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रशांत कुमार विश्वास। शुरू करते हैं हम लोग अपना केवीसी। पहला प्रश्न, सन 1756 में अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? ए मिर्जाफर, बी मुर्शिद कुली खान, सी सिराजुद्दौला, डी सुजाउद्दौला। आंसर होंगे सिराजुद्दौला। अगर आपको आंसर पता हो वीडियो को पॉज कर कमेंट में लिखे, कमेंट बॉक्स में। बंगाल के नवाब इस प्रकार थे, मुर्शिद कुली खान पहले, फिर अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, उसके बाद मिर्जाफर और मीर कासिम। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। अगला प्रश्न, मोमोज को इनमें से किस विधि द्वारा पकाते हैं? ए बेकिंग, बी फ्राइंग, सी स्टीमिंग, डी बॉइलिंग। मोमो आंसर होंगे स्टीमिंग। स्टीमिंग भाप दे करके उसको पकाते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के किस राजकुमार को ड्यूक ऑफ कनॉट एंड स्टेथन की पदवी दी गई थी? ब्रिटेन के किस राजकुमार को? मित्र वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर दे दें, काफी समय लग जाता है टाइप करने में। इसके आंसर होंगे प्रिंस आर्थर। 1874 में उनको ये पदवी दी गई थी, ड्यूक ऑफ कर्नाट एंड स्टेथन। इनको और एक पदवी इसे बोला जाता था, आर्ल ऑफ सक्सेस इनको बोला जाता था, ससेक्स इनको बोला जाता था। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार नागराज वासुकी के भतीजा कौन थे जिनके पिता एक ऋषि और माता नागकन्या थी? अगर आपको आंसर आता हो तो लिखे कमेंट बॉक्स में। आंसर होंगे अस्तिका। इनके पिता ऋषि थे रजरात करु। परीक्षित को जब तक्षक ने डस लिया था और उसका मृत्यु हो गया था, तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया था जिसमें सारे सांपों को मारा जा रहा था, यज्ञ में यज्ञ के प्रभाव से मार जा रहा था। उसी समय अस्तिका ने जन्मेजय को समझाया कि यह अधर्म है, तब जा करके फिर जन्मेजय ने रुका था इस यज्ञ को। अगला प्रश्न, इस मॉन्यूमेंट को देखें और पहचान करना है किनका है। अगर आप लोग पहचान लिए हो तो कमेंट में लिखें। इसका आंसर होंगे शेख चिली टम्ब। इसी से मैं एक और प्रश्न, इसका आगे आप देखेंगे। ये हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। इसी पर आधारित एक और प्रश्न, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रजाक किनका असली नाम है या था? मित्र इस सप्ताह कश्मीर के एक भाई साहब 1 करोड़ रुपया जीतेंगे, और मुझे लग रहा है इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है उनका। उन्होंने तो जो प्रोमो देखे उसमें दारा सिंह को उन्होंने बताया, तो इसका आंसर होंगे शेख चिली। शेख चिली का असली नाम है, ये मुगल राजकुमार दारा सिंह के गुरु थे। तो मित्र वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दे। अगला प्रश्न, अमरकंटक की पहाड़ी से इनमें से कौन से दो नदियों का उद्गम स्थल है? अमरकंटक की पहाड़ी इनमें से कौन से दो नदियों का उद्गम स्थल है? ए सोन घाघरा, बी गंडक ताप्ती, सी नर्मदा सोन, डी नर्मदा कृष्णा। आंसर होंगे नर्मदा सोन। नर्मदा सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है केबीसी में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर कौन थी? मित्र चंद्रयान से 2 प्रश्न पूछा जा चुका है, और भी हो सकता पूछा जाए। इस बार बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न दे रहे हैं, देखिए केबीसी में कितने पैसे रुपए जीत के जा रहे, कॉन्टेस्टेंट करोड़पति भी ढेर सारा हो रहे हैं। तो इनके जो मिशन डायरेक्टर थे रितु कारीधाल, चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर। बहुत हमारे साइंटिस्टों ने हमारा गौरव बढ़ाए हैं, इसरो के सभी साइंटिस्ट।
मित्र, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर रेडियो फ्रीक्वेंसी कौन थे प्रोजेक्ट के, तो वो चंद्रकांत। और एक चित्र या इस चित्र को देखे और बताया कि मोदी जी किनको गले लगा रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये के सिवन है, के सिवन इसरो के चेयरमैन है, उनको गले लगाए थे जब मोदी जी चंद्रयान टू के जो लैंडर लैंड करने वाले थे चांद पे, उस समय वहाँ पे थे, इसरो में मौजूद थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में कौन से क्रिकेटर ने अपने 60 वर्ष के करियर में 7,000 विकेट लेकर संन्यास लिया था। इसका आंसर होंगे सेसिल राइट। 60 साल का करियर रहा उनका, और 1959 में उन्होंने सेंट्रल लंकशायर लीग से खेलना शुरू किया था। बहुत लंबा पारी खेले उन्होंने, 85 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लिया। अगला प्रश्न है, आरामको जो हाल ही में खबरों में थी, वो किस देश की तेल कंपनी है? अगर आपको आंसर आता हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये होंगे आंसर सऊदी अरब। सबसे पहले आरामको अमेरिकन कंपनी था, अमेरिका तेल के खोज में इधर उधर खोज कर रहे थे उसी समय। आरामको 1976 में सऊदी अरब ने इसको पूरी तरह से नेतृत्व में ले लिया था अपना। अमित, अंत में एक शिकायत है, पिछले सप्ताह बिहार के सनोज जी जो 1 करोड़ रुपये जीते हैं, वो उसका प्रश्न मैंने 2 महीने या 1.5 महीना पहले, मेरा जो वीडियो नंबर 96 है उसमें मैंने दे दिए थे, तो उससे आए हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन से जज सुप्रीम कोर्ट के जज के पिता किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? 1 करोड़ का सवाल था। मेरा शिकायत ये है, देखिए इसमें केवल 194 लाइक मिले हैं, तो आप लोग लाइक देने में, देखिए लाइक देने में पैसा नहीं लगता है, आप लोगों की मर्जी, मैं तो चाहूँगा लाइक दे। अभी देखिए बहुत सारे और यूट्यूबर मित्र हैं, वो डेली वीडियो बनाते हैं कि आज 1 करोड़ का ये सवाल पूछा जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी पूछा गया है, वो 2 सप्ताह पहले का रिकॉर्डिंग होता। मित्र मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जा रहे हैं, उनसे बातें भी होती है, तो उस तरह मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। और अगर मैं कभी केबीसी में जा पाया तो केबीसी वाले मुझे बोलेंगे ना, तुम ही है जो 1 करोड़ का सवाल बता देते हो लोगों को पहले ही, तो एक टेंशन भी है। तो मित्र, अगर नए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, लाइक जरूर दे, मैं हमेशा बोलता हूँ। देखिए लाइक देने से यूट्यूब के पास एक मैसेज जाता है कि वीडियो अच्छा है, बस इतना। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी।